कस्टमर को हम खुद पूछते हैं कि भाई हम एकदम नए, हम शर्माते नहीं है पूछने में कि भाई हम कैसे पूछे कस्टमर से कि हम तो बोलते हैं कि हम नए, हमारी कोई भी गलती हो सकती है, आप बताइए कि हमारी क्या गलती है तो हम उसे इम्प्रूव करेंगे। हाँ, क्योंकि एक कस्टमर एक ऐसा है जो जेन्युइन रिव्यू दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो क्या बोलते हैं, 100 जगह खा चुका है, जितनी जगह आपने टेस्ट नहीं किया ना उससे ज़्यादा उसने टेस्ट किया है। जो फूडी है, मतलब जो खाने आ रहा है वो फूडी होगा, कहीं ना कहीं वो फूडी होगा, तो उसने मुझे लगता है कि हर गली नुक्कड़ का खाया होगा। तो वो जो रिव्यू दे सकता है ना, वो कोई रिसर्च नहीं दे सकती है। अगर नॉर्मली कंपनियाँ क्या करती है, एक R&D की टीम बिठाती है, वो रिसर्च करती है कि अरे ये मार्केट में चलेगा, ये होगा, ये लगता है। कस्टमर जो रिव्यू दे सकता है ना, वो कोई नहीं दे सकता। कोई टीम से ज़्यादा अच्छा रिव्यू कस्टमर दे सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो या तो कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट हो, ये तो फूड है, कोई भी प्रोडक्ट हो, आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए दुनिया में, कस्टमर को पूछिए। आप कोई समझ लीजिए कोई शैम्पू बना रहे हैं, तो आप कस्टमर को पूछिए, 100 कस्टमर को पूछिए कि भाई आपको किस तरह के शैम्पू पसंद है। कस्टमर जो रिव्यू देगा वो बेस्ट होगा। कंपनियाँ क्या करती है, वो साइंटिस्ट को बिठाती है, उसको बिठाती है, पता नहीं किस किस को बिठाती है, फिर सोचती है अरे ये करेंगे, ऐसा नहीं होता है। कस्टमर इज द किंग एंड क्वीन, ये बहुत बड़ी गलती है। लोग खाली किंग क्वीन का है भाई, दोनों है। क्या आपको भी सक्सेस के संदेश में आना है, या तो आपको लगता है कि कोई भी ऐसा पर्सन हो आपकी फैमिली में जो पहले गरीब था या जीरो था और आज वो हीरो है, यानी कि अच्छा पैसे कमाने वाला और अच्छा इंसान हो, या तो उनने कुछ अचीव किया हो लाइफ में, तो डेफिनेटली मैं उनका इंटरव्यू लूँगा। अगर आपको भी आना हो सक्सेस के संदेश में, नीचे गूगल फॉर्म मैंने दिया हुआ है, उसकी लिंक है गूगल फॉर्म की, आप ज़रूर रजिस्टर करें और बाकी लोगों तक वीडियो शेयर करें, ताकि उनको भी लगे कि हाँ और भी हमारे स्टोरी लोग जानना चाहते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो या कोई भी हो, तो ज़रूर एक बार रजिस्टर कर दें, हम आपको डेफिनेटली 48 आवर्स में रिस्पॉन्स देंगे। तो गाइज चलिए बढ़ते हैं वीडियो पे।